अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 2.3 के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी वैल्यू गिवन हमें 2x-1/x² + 1√। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है इसको कि लेट y इज इक्वल टू 2x-1 और √x² + 1। डेरिवेटिव फाइंड करने हम क्या करते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू यानी कि d/dx ऑफ वाई d/dx ऑफ 2x-1/√x² + 1 आ गया। ये बन जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे हमें लगाना है इसका क्वोशेंट रूल, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास u है और ये वाली वैल्यू हमारे पास v है। तो ये आ जाएगा x² + 1√, यानी कि इसका स्केयर v का स्केयर, फिर v की वैल्यू d/dx ऑफ u की वैल्यू माइनस अगेन फिर क्या लिखना है 2x-1 और d/dx ऑफ x² + 1/3। क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इसलिए हमने इसका पावर भी लिख लिया। ये तो dy/dx इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल होगी वैल्यू, ये आएगा x² + 1 आ गया। ये यहाँ पे x² + 1 इसका डेरिवेटिव बताना हमने -2x-1 और फिर इसका डेरिवेटिव बताना है। इसका डेरिवेटिव सिंपल 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा सिंपल हमारे पास वो 2 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसके लिए ये ला के सॉल्व कर रहे हैं इसको। पहले हमें सॉल्व किया कि d/dx ऑफ 2x-1, ये कैसे 2 आता है। तो क्या किया हमने d/dx ऑफ 2x-d/dx ऑफ 1, तो यहाँ से 2/d/dx ऑफ 2, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया इसका x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 2-0 इज इक्वल टू 2 डेरिवेटिव आ गया इसका। ये तो इसके बाद जो दूसरी वैल्यू दी गई हमें, इसमें हमने बताना है d/dx ऑफ x² + 1/2। अब हमने ये समझा ये सारा x है, ये x की पावर है n, तो x की पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, फिर फर्दर डेरिवेटिव d/dx ऑफ x² + 1। जब भी हमारे पास होल पावर आएगी, होल पावर से मुराद ये है कि जिसके दरमियान दो वैल्यूज होती हैं कि प्लस या माइनस में हो, तो उसमें हमने लाजमी फर्दर डेरिवेटिव लेना है। ये फर्दर डेरिवेटिव जो होता है उसमें हमने ये पावर स्किप कर दी है, यानी कि पावर छोड़ दें तो वापस वैल्यू होती है x² + 1। याद आएगा x² + 1, इसको माइनस किया तो -1/2 आ गई। आगे x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, ये वैल्यू बन गई 1/2 और इसको क्या लिखेंगे पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसको चेंज करते हैं कि 1/x² + 1/2। आगे 2x + 0, ये सिर्फ 2x आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेरिवेटिव बन जाता है x/√x² + 1, क्योंकि ये 1/2 वैल्यू होती है √x² + 1। अब हम आ जाते हैं अपनी इस वैल्यूज के अंदर कि यहाँ पे हमने इसके डेरिवेटिव जो पुट करना है वो क्या आया है x/√x² + 1। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 इधर शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 1 माइनस, ये बन जाएगा x इंटू
टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गई। अब हम इसको मज़ीद आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है ये नीचे वाली, इसको हम ऐसे डिवाइड में लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके नीचे वन है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया टू इंटू स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा इसका, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, ये माइनस, ये दोनों सेम है, बाकी वैल्यू बच जाएगी टू एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम डिवाइड को जब ख़त्म करते हैं तो इसके नीचे ये है वन है, तो रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर के आंसर। एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा टू प्लस एक्स ओवर, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन बाई टू है, बेसिस दोनों भी सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसकी पावर आपस में ऐड हो जाती है कि वन बाई टू प्लस वन, ये आ जाएगा टू प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाई टू, ये डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स सारे का स्क्वायर रूट। इससे पहले भी हमने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने इसके रूट ऑफ वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी कहते हैं कि वाई के इक्वल है कि वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, तो हमने ये स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इसका स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, देन वाई स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स सारे का होल स्केयर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, अब हमारे पास वैल्यू जो है वो सिंपल हो गई है कि ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स आ गया ये। अब ये हमारे पास है इक्वेशन वन, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करना है, यानी कि पावर जितनी है वो शुरू में आनी है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, इधर वेरिएबल वाई है, इससे फर्दर डेरिवेटिव लाजमी आएगा ये। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन रूल, ये वैल्यू यू होगी और ये वैल्यू वी होगी, तो यह आ जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें ये वैल्यू दी हुई थी हमें, तो ये आ जाएगा टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, तो इधर सिंपल ये आएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ए प्लस एक्स, ए का डेरिवेटिव जीरो कॉन्स्टेंट टर्म में, एक्स का डेरिवेटिव वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस
ए माइनस एक्स और ए का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू ए प्लस एक्स 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ए माइनस एक्स 0 प्लस 1 1, तो ये आएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होता तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी हमारे पास माइनस ए माइनस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस एक्स ओवर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये यहाँ से ये एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a ओवर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास 2y एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है, इधर dy/dx की वैल्यू चाहिए, इधर लिखेंगे 2dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2a ओवर 2y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये y की वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन 1 वाली है। ये हमारे पास क्या आती है जी, पुट वैल्यू ऑफ वाई, तो देन dy/dx इज इक्वल टू माइनस ए बाय, इधर क्या आ जाएगा ये वाई की वैल्यू कि ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू सेम लिखी हुई है, उनकी पावर्स का हमने आपस में सॉल्व करना है, जैसे कि ये माइनस ए ओवर, अगर हम इसकी पावर को अलग अलग करेंगे, ये ए माइनस एक्स है, ये ए प्लस एक्स है, और यहाँ पे ये ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब बेसिकली इसकी पावर क्या है, अंडर रूट की पावर है 1/2 होती है, ये जब यहाँ से इस तरफ जाएगी, ये ऊपर है, ये लिखी यहाँ पे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस हो जाएगी, ये तो ये आएगा आपके पास माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी इसके साथ पावर, तो ये ए प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 बनेगा ये, क्योंकि इसकी पावर 2 इसकी पावर 1/2 है, तो dy/dx इक्वल किसके आ जाएगा, ये माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स, उसके बाद ये ए प्लस एक्स 2^4 - 1 3/2, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये बनेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें ये वैल्यू गिवन है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 13। एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस में है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, ऊपर भी नीचे भी इसके रूट है, तो सबसे पहले हम इसको स्केयर रूट को ख़त्म करेंगे कि लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर माइनस 1, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, देन वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस 1, ये स्केयर है तो ये इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1,
अब सिंपल हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना, इनके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो सेम रूल है यू ओवर वी वाला, जो पिछले दो क्वेश्चन हमने यूज़ किया है उसी रूल को हमने यूज़ करना है इधर। तो ये आ जाएगा आपके पास इधर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, ये जैसे वाई स्क्वेयर के पीछे क्वेश्चन दिया कि पहले पावर लिखनी है, फिर पावर में से एक माइनस लिखना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई फर्दर डेरिवेटिव लेना है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो ये क्या आएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाला स्केयर ऐसे ही आएगा, ये एक्स स्केयर माइनस वन का होल स्केयर। अब ये एक्स स्केयर माइनस वन एक्स स्केयर प्लस वन का डब्ल्यू, एक्स स्केयर डब्ल्यू क्या होता है जी, टू एक्स और वन का जीरो, माइनस एक्स स्केयर प्लस वन और एक्स स्केयर डब्ल्यू टू एक्स वन का जीरो। तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह आएगा इधर से एक्स स्क्वायर माइनस वन और इधर आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टू एक्स कॉमन लें यहाँ से, तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। जब भी माइनस आएगा हम उसको ब्रैकेट लगा देंगे ताकि साइन की गलती ना हो इसमें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर, वैल्यू क्या बन जाएगी, टू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आ जाएगा टू एक्स इंटू माइनस वन और माइनस वन माइनस टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास ये माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है अभी टू वाई और डी वाई बाई डी एक्स की। अभी हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जैसे लास्ट पे हम क्या करते हैं कि टू वाई को उधर डिवाइड करवा देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रिक्वायर रही है। माइनस फोर एक्स ओवर टू वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे जैसे पीछे क्वेश्चन हमने वाई की वैल्यू पुट किया, यहीं से वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे इधर से। इसके बाद आएंगे सिर्फ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये टू कैंसिल होगा इसके साथ फोर के साथ, ऊपर आ जाएगा माइनस टू एक्स ओवर वाई की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन अंडर रूट इन टू एक्स की टू माइनस वन का होल स्क्वेयर। अब इसमें भी हमें देखना है जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस टू एक्स, ये एक्स केयर प्लस वन है, ये एक्स केयर माइनस वन है, ये एक्स केयर माइनस वन है, इसकी पावर है यहाँ पे वन बाई टू। जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी तो ये पावर जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, ये क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक्स केयर प्लस वन एक्स केयर माइनस वन पावर टू माइनस वन बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर
थ्री बाई टू। तो ये जो है इसका ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू दी गई है तो इसको हमने पहले तो कुछ करने के सिंपलीफाई करने जितना मजीद हो सकता है इसको। तो पहले वाई के इक्वल करेंगे इसको, लेट लेट वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ऊपर नीचे माइनस प्लस की फॉर्म है जिसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि स्क्वेयर रूट भी है इसमें। रेशनलाइज का रूल क्या होता है, -1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। जो नीचे वाली वैल्यू होती है दरमियान में उसका जो साइन होता है उसको चेंज करना होता है हमने। अगर प्लस है तो यहाँ पे हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ऐसे सेम वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस एक्स, इस साइन को चेंज करेंगे -1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये वाला जो साइन है इसको चेंज करना हमने, ये प्लस किया तो ये दरमियान में माइनस लगा देना, इन दोनों ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। अब क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, मतलब अगर ये लिखा हो कि ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये भी ए है, ये बी है, ये ए और ये बी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट का होल स्क्वेयर। और नीचे क्या लिखा हुआ, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, जिसका एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कि एक प्लस वाले टर्म है, एक माइनस वाले टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर -1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ऊपर जो है ये दरमियान में माइनस का साइन है तो ये होल स्केयर ओपन हो जाएगा, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2, आगे ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू ओवर, ये इनके साथ कैंसिल होगी, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, माइनस का साइन ओपन करेंगे तो -1 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट ऊपर से ये स्केयर कैंसिल होंगे ये वाला इसके साथ, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा फिर, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। इनको हम एक इन रूट में हम लिख लेते हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो उनको हम एक इन रूट में लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो ओवर एक्स, और एक्स क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा, यहाँ से ये एक्स प्लस का और माइनस का कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस 2। अब यहाँ पे सेम वही वहाँ बन गए दोबारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा, अब यहाँ 1 का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर। तो ऊपर से हमने क्या कहा, मैंने अब 2 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2x, 2 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x। यहाँ तक हमने जितना भी किया ये सारा सिंप्लीफाई है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से आगे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स।
अब इस वैल्यू को जब हम डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव में हमने इसको क्वेश्चन रूल पे अप्लाई करना है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, ऊपर वाली सारी वैल्यू जो है वो यू है, नीचे वाली सारी वैल्यू क्या है वो वी है। ये वन माइनस एक्स के लिए यू आएगा, ये हमारे पास ये वी आएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आएगा ये। फिर यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव पुट करना है, माइनस ये वैल्यू ऐसे लिखनी है वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या है ये वन है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका डेरिवेटिव बताना है वन का, तो हमें पता चल गया जीरो आता है माइनस। अब अंडर रूट टर्म का डेरिवेटिव हमने बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू, ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव अब बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स है, ये एन है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस फर्दर डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, फर्दर डेरिवेटिव पावर के बगैर। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि जब भी होल पावर आएगी, होल पावर कब आती है, जब दो वैल्यू हों, दो वैल्यू कब होती है, जब प्लस और माइनस साइन दरमियान में आता है, तो ये आएगा वन बाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो इसकी पावर को जब नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, यानी कि ऐसे वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू, जीरो में से वैल्यू माइनस करेंगे वापस माइनस टू एक्स, माइनस टू ए टू और टू कैंसिल हो गए, डेरिवेटिव बन जाता है माइनस एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है कि माइनस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ये माइनस और माइनस प्लस हो गएगी, जीरो में से प्लस करेंगे वापस वही वैल्यू आएगी कि एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन मल्टीप्लाई हो गया और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड हो गया ये एक्स स्क्वायर का। अब इस स्टेप में हमने इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि इसके नीचे वन है ये, तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका, ये वाली वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों सेम तो ये कैंसिल, वापस हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले जब हम एलसीएम लेते थे तो यहाँ पे एक वैल्यू होती थी, अभी हमें दो वैल्यूज हैं, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर पहले हम इसको लिखते हैं, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे वन है ना, ये ऊपर मल्टीप्ली होता है ऐसे, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड को ख़त्म कर दें तो ये मल्टीप्लाई हो गया वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ माइनस और माइनस प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट होता है जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं कि वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई हुई ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा शुरू में इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से वैल्यूज कौन सी कैंसिल होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर
माइनस का। तो जवाब क्या आ जाएगा इसका? फिर जवाब आ जाता है इसका माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये dy/dx का आंसर आ जाएगा।